जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है फाइम क्लब के Day 230। 230 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि आज हमारे पास ऑलमोस्ट 16 लोग हैं, 16 मेंबर्स हैं जो फाइम क्लब में एज अ रेगुलर स्पीकर या एज अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट कर रहे। तो सभी का स्वागत है, और मैं सभी को आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जो बड़े हैं वो इस मंच पे आए, कंट्रीब्यूट करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, स्पेशली जो छोटे हैं वो इस मंच को यूज करें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने अलग अलग स्किल्स दिखाने के लिए, एंड लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट। ये हमारा मंच है। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम दास बोध में दशक दो समास 10 की शुरुआत करेंगे, दशक दो समास 10। और मुझे तो हमेशा लगता है कि हर वो व्यक्ति जो खुद को ज्ञानी समझता है उसने ये पढ़ लेना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो खुद को ज्ञानी समझता है और जिसे सच में आगे बढ़ना है उसने ये पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक वार्निंग बेल जैसा ये चैप्टर है दास बोध का, दशक दो का समास 10। तो करीब करीब यहाँ पे कितने पॉइंट है, आई थिंक 41 पॉइंट है। तो हो सकता है इसे कवर करने में हमें 2 या 3 दिन लग जाए, कोई इशू नहीं, अगर जल्दी हो सके तो हम कवर करेंगे उसमें से की पॉइंट। पर यह टॉपिक जो है इसका नाम है पढ़त मूर्ख के लक्षण। जय श्री कृष्ण। नाम क्या है? पढ़त मूर्ख के लक्षण, यानी पढ़ा लिखा मूर्ख कौन हो सकता है। अब पढ़ा लिखा मतलब क्या है? अब अगर हम ये बात देखें कि 1608 में समर्थ रामदास स्वामी जी का जन्म हुआ और 72 साल की उनकी उम्र थी, तो ये 1600 में ही ये सब हुआ है, 17th century का है। Now we are in 21st century। तो 400 साल पहले पढ़त मूर्ख की व्याख्या कुछ और थी, आज हर कोई एजुकेटेड है सोसाइटी में, है ना? एवरीवन इज एजुकेटेड आई बिलीव, मे बी एक फ्रैक्शन ऑफ अन प्रिविलेज लोग होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो किसी ने कहा शिक ले ले अडानी। तो उस वक्त ये भाषा नहीं थी, उस वक्त तो सोसाइटी में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब 1880 क्षमा चाहता हूँ 1988 में डीपीईपी लॉन्च हुआ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हाँ डीपीईपी मुझे आज भी याद है। यस, तो लोगों को पढ़ाया जाता था, बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता था, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, कम से कम नाम लिखना सीखो, अंगूठे की जगह साइन करना सीखो। नाइट स्कूल बने थे उस वक्त, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान आया और फिर वो डेवलप होता गया। टुडे वी आर वी कैन से प्राउडली कि हम 95+ लिटरेट परसेंटेज के लोग हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था। ओके, 1988 में 40% पॉपुलेशन हमारा करीब करीब पढ़ा लिखा था, और यूएनओ और WHO ने भी इसकी बात की थी। कुछ लोगों ने इसको कंडेम किया कि इतने सारे लोग बिना स्कूल गए कैसे रह सकते किसी देश में। और हमें वो कई बार लोग बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, जल्दी हुई लेट हुई, सब चीजें जो होती है। तो पहले एजुकेशन नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी। मैं सभी को एक बात भी बताना चाहूंगा दोस्तों, लेट्स बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हम हैं, बट लेट्स ऑल्सो एप्रिशिएट वी आर वेरी यंग डेमोक्रेसी, वी आर वेरी यंग डेमोक्रेसी, है ना? जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका को स्वतंत्र हुए 400 से ज्यादा साल हो गए, है ना? हम जॉर्ज वॉशिंगटन की बात करते हैं ना, अमेरिका बहुत पहले स्वतंत्र हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज वो उस लेवल पे है। हम इतनी सारी खिचड़ी के बाद यहाँ जहां देखते हैं ना, हमने आर्यों को देखा, हमने मुगलों को देखा, हमने तुगलक को देखा, हमने घुरी को देखा, है ना? हमने आपसी रंजिशों को देखा, और ये सब के बाद हम जिसे कहते हैं स्वतंत्र हुए। तो वी आर ए यंग कंट्री, जो जिसे कहते हैं ना, अगर हम इंसान की भाषा में बात करें ना, तो इंडिया अभी अभी टीनेज में आया है, ऐसा मैं कहूंगा नम्रता पूर्वक। किसी को बात अच्छी ना लगे तो मुझे माफ कर देना, है ना? अभी अभी हम टीनेज में आए हैं, और अगले जिसे कहते हैं ना एक 15-20 साल बाद इंडिया परफॉर्म करने लगेगा, जिसे कहते हैं ना जॉब मार्केट में आना है। ओके, तो मुझे इंतजार है 2040 के बाद हम किस तरीके से दुनिया में अपना ज्यादा प्रभाव रख पाते हैं। आपको ये पता भी होगा और आपको ये
अभिमान की बात है हम सबके लिए कि पिछले 20 सालों में इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है वर्ल्ड की, उसका सप्लाई जोन इंडिया बन चुका है। जैसे हम बोलते हैं ना, ना टिकने वाली चीजों को सप्लाई करने का जिम्मा चाइना ने लिया है दुनिया में, है ना। जल्दी खराब होने वाली चीजें चाइना सप्लाई करता है प्रोडक्शन में, और अच्छे दिमाग दुनिया को इंडिया सप्लाई कर रहा है ना। इवन इन्वेंशन के लिए वेदों को पढ़ा जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था पढ़तमुर्ग की, तो उस वक्त की पढ़तमुर्ग की व्याख्या ये थी कि समाज में कुछ लोग जो है, जो जिनको मान है, सम्मान है, जिन्हें ज्ञानी माना जाता है, थोड़ा बहुत सीखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ा बहुत उनको शायद उनके गुरु की वजह से, हो सकता है उनके जिसे कहते हैं एंसेस्ट्रियल यानी पूर्वजों की महानता की वजह से उनको कुछ ये मिले हैं, राइट्स मिले हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है। हमारे पास भी आप इसमें से कुछ चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो सब जानते हुए भी मूर्ख कौन है, उसके लक्षण बताए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यह सब मेरी ही बात हो रही है। तो अगर आप भी इसे पढ़ो या मुझसे सुनो, और आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी बात हो रही है, तो समर्थ रामदास स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही समय पे हमें जिसे कहते हैं ना चेताया है या जागृत किया है, और थोड़े थोड़े चेंज करेंगे ताकि हम, ऑलरेडी हम अच्छे लोग हैं, फाइन क्लब में आते हैं तो हम तो बुरे हो ही नहीं सकते, है ना, नॉट नेसेसरीली, बट हमें अच्छाई का गुण ज्यादा है, अच्छाई का गुण ज्यादा है। कल ही मैं मेरी बेटी का इंटरव्यू सुन रहा था, और वो बता रही थी कि किस तरीके से तमोगुण को सुनने के बाद वो सतोगुणों की तरफ बढ़ गई, एंड दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। अनिशा बेटा, आई रियली अप्रिशिएट, मैं खुद इंस्पायर हो गया कि किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव हुए परिस्थितियों से, किस तरीके से एक या दो दोस्त इतने मैटर करते हैं, मैंने कभी इतना रियलाइज नहीं किया था, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट। यस, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, कई सारे लोग सोच रहे हैं किसकी बात चल रही है, मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे निशा को लेना चाहूंगा। शी हैड अ वंडरफुल इंटरव्यू, एंड इनफैक्ट वी आर सो ब्लेस्ड कि इसी ग्रुप में एक और लड़की है क्षितिजा, जिसको थैंक यू कह रही थी कल। तो ग्रेटिट्यूड जरूरी है ना। यस, तो ग्रेटिट्यूड जरूरी है, थैंक यू क्षितिजा बेटा ऑल्सो। जो नहीं जानते, फेसबुक पे देख रहे हैं, नए दोस्त देख रहे हैं, क्षितिजा इज द फाउंडर ऑफ फैम क्लब। ओके, तो 230वां दिन चल रहा है, कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर फैम क्लब फैमिली। ओके, और साथ में ना, ये 230 दिन में ऐसे भी होता है कि अभी, चलो ये फेसबुक वाले शायद ना रिलेट कर पाए, बट फैम क्लब वाले रिलेट कर सकते हैं। आप अगला एक मिनट ले भी सकते हो और क्षितिजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हो। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर बार बर्थडे देख के आ रहा हूँ, निशा के बर्थडे पे आया, फिर क्षितिजा के मम्मी के बर्थडे पे आया, फिर निशा अनुष्का के और क्षितिजा। तो मे गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड, एंड आपकी हर मनोकामना को परमेश्वर तथास्तु कहे, यह मेरी शुभकामना है। जय श्री कृष्णा, आप लोग उसको शुभकामनाएं दे सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैंने एक वार्निंग दे दी, वो यहाँ पे लिखी हुई वार्निंग है। ओके, उसको जैसे वो सीक्वेंस में आएगी मैं आपको फिर से पढ़ के बताऊंगा। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया है शुरुआत में ही, मैं क्लियर बताता हूँ, दशक 2 समास 10 और उसका श्लोक 2 में स्पष्ट बताया है स्वामी जी ने, समर्थ रामदास स्वामी जी ने क्या बताया है? अगर किसी को ऐसा लगा कि ये गुण मेरे ही है, और तब कृपया बुरा ना माने, प्रयत्न करें इन गुणों से आगे बढ़ने का। तो ये मेरी वाणी नहीं है, स्वामी जी की वाणी है ना। तो जय श्री कृष्णा, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, पढ़त मूर्ख का सबसे पहला लक्षण, जो मुझे तो बहुत रिलेट हो गया था, शायद आपको भी हो जाए, ये ऐसा है जो, पहले मैं मराठी में पढ़ूंगा, जो बहुश्रुत थोर व्यासंगी विद्वान आहे, ब्रह्म ज्ञान सुंदर रीति ने सांगतो, पन मरा दुराशा आणि अभिमान बाळगतो तो पढ़त मूर्ख। मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारे लोग सुनते हैं, कृपया नोट करें, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो उसे ग्रेट मानते हैं, जो व्यासंगी है यानी बहुत पैशनेट नजर आता है, बहुत पैशनेट नजर आता है, ज्ञानी है, लोगों को ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, और जब खुद की बात आती है तो डाउट लेके घूमता है। ओके, शंका के बादल मन में रहते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, व्हाट विल हैपन,
लोगों को तो ज्ञान बहुत देते हैं, बट खुद भी कभी कभी मन में शंका रखते हैं या तो फिर अभिमान अभिमान लेते हैं, तो वह पढ़त मूर्ख है। अब यहाँ पे मैं मेरा रिलेशन भी बताऊंगा इसके साथ। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे मेरे मन में दुराशा तो कभी नहीं थी दोस्तों, है ना। यानी मैं ऐसे, जिसे कहते हैं ना, आई वॉज बॉर्न विथ होप, आई वॉज बॉर्न विथ होप एंड आई वॉज बॉर्न विथ स्माइल, ऐसा मैं खुद के बारे में मेरी मम्मी भी कहती थी, है ना। तुझे देख के बड़े बड़े लोग भी हंसने लगते थे, है ना। तो शायद चार्ली चैपलिन जैसा कुछ कार्टून रहा होऊंगा मैं बचपन में, आई डोंट नो। ओके, बट स्माइल और आशा, होप तो मैं बचपन से लेके आया हूँ, पर अभिमान बहुत था। लोगों को ज्ञान देता था और खुद में अभिमान बहुत था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कृपया नोट करें इस बात को। मैंने एक कोट पढ़ा था, नेपोलियन हिल का कोट पढ़ा था, आई थिंक 1993 में, मेरी 93 की डायरी में आज भी है वो कोट। शायद आपको पता हो, मेरे 92 93 से सभी डायरीज आज भी मेरे पास है, एनुअल डायरीज। ओके, तो वो एक खजाना है। तो उसमें कोट लिखा था मैंने, नेपोलियन हिल का कोट था, और मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि वो नेपोलियन हिल का कोट है। हमारे इंग्लिश की टीचर बोर्ड पे लिख देती थी और मैं उसको रोज कॉपी करता था, सिंपल सी बात। किसी दिन वो बुक अगर मैं पढ़ूंगा ना, तो हो सकता है मैं 5-6 घंटा बात कर लूँ, इतने अच्छे कोट्स है उसमें, बहुत अच्छे। ओके, तो मैंने वो कोट पढ़ा, द बेस्ट एडवाइस वन कैन एवर गेट इज द एडवाइसेस दैट यू गिव टू अदर्स। अगर सबसे अच्छी सलाह चाहिए तो वो सलाह मानो जो आप दूसरों को देते हो। जय श्री कृष्णा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे इस बात के साथ, है ना। बराबर है, अगर कोई आपको फोन करे और बोले यार मुझे ना उठना नहीं हो रहा जल्दी, सुबह 5 AM क्लब में आना है, नहीं उठ पा रहा हूँ, तो आप उसको ऐसा इतना मोटिवेट कर दोगे घंटा 2 घंटा बात करके, इतने इतने एग्जाम्पल देके, कि उसको लगेगा कि यार कोई एक्सक्यूजेस नहीं, आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस, आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ डाउट, आई एम अ वॉरियर बोल के वो आ जाएगा। और पता चला जिसने वॉरियर बनाया वो सेनापति गायब है, है ना। वो बोलता है सॉरी सर, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टुडे, तो आज मैं सुबह सुबह प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा होता है। थैंक यू, कई सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस बात के साथ, तो कृपया नोट करें। इनफैक्ट मैं तो आपको बताता हूँ, ये मेरे गुरुजी की कृपा रही है मुझ पे। उन्होंने मुझे बताया, जब भी कोई व्यक्ति अड़चन, क्या कहते हैं उसे, डिफिकल्ट टाइम में अगर आपके पास आए, प्लीज नोट करें इस बात को, तो उसकी डिफिकल्टी क्या थी लिख के रखे, और आपने उसे क्या सलाह दी लिख के रखे। अब आपके पास तो कई सारे लोग आते होंगे, चाहे आपकी जो उम्र हो, चाहे आप 5वीं के हो या 50वीं के हो, है ना। 50वीं क्या होती है मुझे मत पूछना, ऐसे आ गया वो बात। ओके, तो अगर आप 5th के हो या 50th के हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास लोग आते हैं सलाह लेने, चैलेंजेस शेयर करने, है ना। तो गुरुजी ने मुझे बात बताई और आई विल टेल यू, उसका भी मेरा एक बड़ा बंच बन चुका ऑलरेडी। लोग आते हैं, डिफिकल्टी बताते हैं, सोल्यूशन देते हैं, मैं उनको अभी कैटेगराइज भी कर रहा हूँ, और हो सकता है अगले 2-3 साल में मेरे पास उसका काफी अच्छा, जिसे कहते हैं ना, कंटेंट हो। मान लो मन की दुर्बलता, उसकी कैटेगरी मैंने लिखी, लोगों ने क्या क्या बात की, मैंने क्या सलाह दी। ओके, फाइनेंशियल चैलेंजेस, उनकी क्या क्या बात हुई, वैसे तो ये सीए मैम का डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से समझाती है। ओके, जस्ट लोगों के परिचय के लिए, क्योंकि कल मैम आई थी, तो ये रही आपकी स्क्रीन पे, चेतना मैम, शी इज सीए प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग सीए। थैंक यू मैम, ब्लेस्ड टू हैव यू एंड अ कॉन्ट्रीब्यूटर ऑन दिस मंच। कल का भी आपका सेशन फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत अच्छा था, थैंक यू, ब्लेस्ड। वैसे बाकी स्पीकर भी याद रखे, आपके भी सेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे अथर्व ने भी कुछ बातें शेयर की, मोनिका मैम ने शेयर की, एवरीवन एवरीवन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल। जस्ट मेरे सामने अभी मैम थी तो मैंने उनको हाईलाइट किया। ओके, तो फाइनेंशियल चीजों में, रिलेशनशिप में, अभी मैं तो एक, जैसे कहते हैं, सर्टिफाइड रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं करता, अलग बात है ना। तो जैसे कहते हैं, यस, मैं मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ, सो थैंक यू एवरीवन, आई एम नोटिंग द व्हाट एवर कम्युनिकेशन यू आर डूइंग। तो रिलेशनशिप में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लिखे, उनके क्या सॉल्यूशन मैंने दिए वो लिखे। कोई हेल्थ के चैलेंजेस लेके आता है ना,
कोई अलग अलग पैरामीटर के, कोई कंसंट्रेशन के, इसके उसके, मैं लिख रहा हूँ उनको कि मैंने उनको क्या सलाह दी, और हो सकता है एक स्टैंडर्ड बुकलेट ही बन जाए आपके और मेरे अगर ऐसे डॉक्यूमेंट एक साथ आ जाए ना, तो एक स्टैंडर्ड बुकलेट बन जाए, शायद उसको हम पब्लिश भी कर दे, बुक का नाम माई एडवाइस टू माई सेल्फ है ना। तो जो ये नहीं करता है वह बड़त मूर्ख है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। तो अभिमान जो है ना, कृपया नोट करें, अभिमान मूर्ख का लक्षण है। कल परसों की बात है, गुरुजी के साथ मेरी मीटिंग हुई, गुरुजी ने मुझे एक नया ज्ञान दिया। उन्होंने कहा मौन से नम्रता और बात करने से अभिमान बढ़ता है। तो मैंने गुरुजी को कहा आप सलाह क्या दे रहे हो, मैं तो दिन भर बात करता रहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ये समझदारों के लिए बात है, तुम्हें समझे तो तुम समझदार, नहीं समझे तो सही समय पर समझ जाओगे। अब ये जो वाक्य मैंने बोला वो समझना भी समझदार का काम है ना, बराबर है। तो मैं उस पर चिंतन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मौन ज्यादा रहे। कृपया नोट करें, मौन से, कम बोलने से, धीरे बोलने से, धीरे आवाज में बोलने से नम्रता बढ़ जाती है आपकी, आपका पेशेंस और नम्रता बढ़ती है। तो अगर किसी को भी चैलेंज है ना रिलेशनशिप के, खासकर वो इन बातों का प्रयोग करे। अगर मान लो दोस्त है ओके, या फिर और भी कोई है चैलेंजेस अगर है, तो कृपया इस बात को नोट करें कि आपको क्या करना है, आवाज की गति, आवाज का वॉल्यूम कम करना है, इवन बोलना भी कम है, शांति प्रैक्टिस करनी है, सॉलिट्यूड या फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना है। आई टेल यू रिलेशनशिप्स डेफिनेटली बेटर बनेगी, क्योंकि एज ए रिलेशनशिप काउंसलर मैं ये काफी अथॉरिटी के साथ बताता हूँ। बहुत बार लोगों के लोग इसलिए जोर जोर से बोलते हैं कि धीरे बोलने की बात कोई सुनता नहीं है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे साथ, हम चिल्लाते इसीलिए है ना, हम चिल्लाते इसीलिए है क्योंकि कोई हमें शांति से बात करे तो सुनता नहीं है। खासकर बहुत सारी दुनिया की जो माताएं हैं उनको ऐसा लगता है कि धीरे से बात करेंगे तो बच्चे को सुनाई नहीं देता, यू नो। तो कुछ माताएं हाथ भी दिखा रही है, चलो बढ़िया है तो गुरु जी की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती, कम बोले, धीरे बोले, और सॉलिट्यूड या फिर साइलेंस दोनों भी प्रैक्टिस करें, सॉलिट्यूड यानी एकांत और साइलेंस यानी मौन। आगे बढ़ते हैं, जो स्वेच्छाचार यानी स्वेच्छा आचार, स्व की इच्छा के अनुसार आचार का प्रतिपादन करता है ओके, भक्ति का खंडन करता है, स्वधर्म और साधनों की निंदा करता है, वो बड़त मूर्ख है। कल्पना करें बहुत सारे ज्ञानी लोग है ना, चाहे जो ज्ञान दे करते अपनी मर्जी से है, करते अपनी मर्जी से है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले मैं एक मेंटोरिंग सेशन में था, और वो 12th साइंस का बच्चा है, और वो कह रहा है सर पता नहीं क्यों मेरा मन मुझे साथ ही नहीं देता। तो मैं जैसे कहते ना विचलित हो जाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं लगता, इम्पोर्टेंट चीजों में मन नहीं लगता। तो मैंने कहा तुम मन की सुन रहे हो या मंकी की सुन रहे हो, जरा देखना मन की या मंकी की। तो उसने कहा ये क्या है, तो मेरे शब्दों को कृपया नोट करना। मैंने उसे एक शब्द पूछा था कि आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव है या तो निगेटिव और स्टैग्नेंसी वाला है, जो है यथास्थिति मेंटेन करने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, कृपया नोट करें इस बात को, और ये बहुत बड़ा रिसर्च है, कृपया नोट करें इस बात को। दुनिया के 93% लोग जो है ना उनका प्रोग्रामिंग स्टेटस क्यो मेंटेन करने का है। एक बुक लिखी है नीरज सिंह राठौड़ नाम के मेरे फ्रेंड ने, स्टेटस क्यो नाम की, स्टेटस क्यो ओके QUO ओके, स्थिति यथास्थिति बनाए रखना। तो 93% लोगों का प्रोग्राम ये है कि वो यथास्थिति बना के रखते हैं। एंड आई विल टेल यू, यू विल बी सरप्राइज टू नो, उनमें से 80% लोग बना के रखने में सफल हो जाते हैं, और 13% लोग मेंटेन करने के चक्कर में स्लो हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या
केवल 7% लोग सोचते हैं ग्रो करने का, हर दिन ग्रो करने का सोचते हैं, 7%। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप स्टेटस क्यो मेंटेन कर रहे हो तो आप डिग्रो हो रहे हो। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा चेतना मैम की परमिशन से। मैम परमिशन है थोड़ा सा फाइनेंस पे बात करूं? यस थैंक यू। नहीं आज पता नहीं कहां से ये बीच बीच में फाइनेंस और चेतना मैम दोनों आ रहे, तो चलो धन्यवाद परमिशन के लिए मैम। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास आज 10,000 रुपए है, ध्यान से सुनना, और आप उसे मेंटेन कर रहे हो, ना तो 9,000 होने दे रहे हो ना तो 11,000, 10,000 मेंटेन कर रहे हो, एग्जैक्ट 10। आज से 5 साल बाद क्या 10,000 की कीमत 10,000 रहेगी? 7,000 8,000 हो जाएगी ना, वैल्यू कम हो जाएगी, टैग वही रहेगा 10,000 वाला, है ना। यानी मुझे आज भी याद है मुझे 20 या 25 पैसा मिलते थे स्कूल जाते वक्त, जिस दिन डब्बा नहीं बनता था ना, टिफिन नहीं बनता था किसी कारणवश, तो मम्मा मुझे 20 पैसे का ऐसा बड़ा जर्मन का ये आता था कॉइन, और 25 पैसे का छोटा कॉइन होता था। मैं तो मेरे मामा के साथ झगड़ा भी था कि मुझे बड़ा वाला चाहिए, यू नो बचपन की बात है। तो उसमें हमारा जिसे कहते हैं ना लंच ब्रेक निकल जाता था स्कूल का 20-25 पैसा में, भेल वगैरह हम खा लेते थे उस वक्त ना, जमाना था वो भी, 25 पैसे का एसेट हुआ करती थी, आज 1 रुपए की वैल्यू नहीं है। तो दैट इज हाउ हैपेंस। अब मैं बताता हूँ, पैसा तो ठीक है दोस्तों, यू कैन एट एनी पॉइंट इन टाइम मल्टीप्लाई योर अर्निंग एबिलिटी, ध्यान से सुनना और इसे सच मानना, आप किसी भी क्षण जीवन के अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके, पर लर्निंग को मल्टीप्लाई करना उतना फास्ट पॉसिबल नहीं। अर्निंग को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है रिलेटिवली, प्रोवाइडेड आपके पास जिसे कहते हो रिसोर्सेस हो, है ना, या फिर गाइडेंस हो, एक्सेस हो, अलग अलग चीजें, कभी किसी दिन उस पर भी बात करूंगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई अर्निंग। इनफैक्ट मैं बात करने की जरूरत नहीं, चेतना मैम ने ऑलरेडी 4 बातें बता दी है आपको, और वही बता देंगे, मैं क्यों बात करूं उस पर, जय श्री कृष्णा, है ना। तो वो उनका डिपार्टमेंट, बट उनको सुने, बाकी भी लोग बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे, सबको सुने। तो मैं बात कर रहा था मल्टीप्लीकेशन की, लर्निंग का मल्टीप्लीकेशन ना अर्जेंट एंड एसओएस बेसिस पे कभी नहीं हो सकता दोस्तों। लर्निंग हैज टू बी a planned, mark my words, learning has to be a planned progressive thing in your life, okay, planning se hi learning karni hai aur aage badhna hai, kripya note kare meri baat ko। example, bahut baar na hum academic planning karte hai, education nahi, मुझे उम्मीद है मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हो, हम academic plan karte hai, education nahi, matlab पांचवी के बाद छठी के बाद सातवीं के बाद आठवीं के बाद नौवीं, और ये सब मैं गिन रहा हूँ कक्षा, ओके, तो पांचवी के बाद छठी के बाद सातवीं कक्षा, ओके, तो ऐसे हम ग्रोथ हमारी प्लान करते हैं ना, एकेडमिक कहते हैं इसे। क्या हम हमारा एजुकेशन इसी तरह से कैसे प्लान कर रहे हैं? एग्जाम्पल, जस्ट थिंक ऑफ इट, क्रिटिकल थिंकिंग, सोल्यूशन थिंकिंग, collaboration thinking, coordination thinking, goal setting thinking, focus thinking, health orientation, relationship orientation, abundance orientation, spirituality orientation, 64 कलाएं है दोस्तों जो हमें compulsory सीखनी है, जितना जल्दी उतना अच्छा। क्या हम उसे प्लान कर रहे हैं? तो जवाब आता है नहीं, है ना। तो कृपया नोट करें, ये चीजें सिस्टमैटिक होनी चाहिए हमारे जीवन में, सिस्टमैटिक प्लान में, सिस्टमैटिक अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए, ओके। तो मैं वापस मुद्दे पे आता हूं और देखता हूं, स्वेच्छा आचार जिसे कहते हैं, स्वेच्छा का आचार बात कर रहा था मैं, है ना। तो मर्जी से नहीं चलना है, सिस्टम से चलना है दोस्तों। जो मर्जी से चलता है वो मन की नहीं मंकी की सुनता है, यू नो, मन की और मंकी एक जैसे स्पेलिंग आएगा इंग्लिश में लिखोगे तो, है ना, शायद ए और ओ का फर्क आए। तो मैं उस मेरे वो जो मेंटी है मेरा, उसे मैं वही समझा रहा था, अगर बंदर आपकी गाड़ी चलाए तो क्या आप चलाने दोगे? तो क्या आप मन को आपके जीवन का कंट्रोल लेने दोगे? कृपया मेरी आप सबसे विनती है, कोशिश करें खुद को सिस्टम में लाने की,
कोशिश करे खुद को सिस्टम में लाने की और यूटिलाइज करने की, वो सिस्टम के द्वारा चलने की। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, स्वेच्छा स्वेच्छाचार मतलब क्या है, स्व इच्छा का आचार यानी मूड से चलना। आई विल टेल यू, बंदर की जिंदगी जीना है, बंदर उछलता है, कभी शांत बैठता है, कभी चिल्लाता है, कभी इधर से उधर फॉर नो रीजन। अभी उसके खुद के रीजन होंगे, हम इंसान नहीं समझ पाते ना, व्हाई वुड अदर वाइज अ मंकी डू दैट, बट हमारे लिए तो हम उसे कहते ना मराठीत काय म्हणतो त्याला पण माकड चाळे है ना, मरकट लीला कहते। तो मन और मरकट एक जैसे होते, कृपया नोट करें। तो मूड से चलना बंद करें, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मूड के हिसाब से काम करते हो ना तो बंद करें। टाइम ब्लॉकेज करें, टाइम का यूटिलाइजेशन करें, सबसे बड़ी करेंसी टाइम है दोस्तों आज की, इसमें सबसे बड़ी करेंसी टाइम है आज के समय में, तो कृपया उसको ही करें। दूसरा, स्वधर्म और साधन, इसकी निंदा करने वाला पड़क मूर्ख है। स्वधर्म यानी क्या पता है, जो काम मुझे दिया गया है या जो मेरी ड्यूटी है उसको, उसकी निंदा करने वाला पड़त मूर्ख, चाहे जितना ज्ञानी हो, अपनी ड्यूटीज को कभी, अपनी ड्यूटी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको, आप जो भी कर्तव्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, पसंद नहीं आती, पात्रता बढ़ाए, अगले लेवल पे जाए, पर उसकी निंदा कभी ना करे। केवल मूर्ख ही अपनी रोजी रोटी की निंदा करते हैं, केवल मूर्ख ही है ना। कोई स्टूडेंट है, उसकी ड्यूटी है पढ़ना, और वो बोलता है क्या फालतू है पढ़ना पड़ रहा है, वो क्या है, पढ़त मूर्ख। कोई टीचर है, सिखाना उसकी ड्यूटी है, और वो बोल रहा है क्या है, रोज बोरिंग वही जाके बच्चों को भाषण देना है, वो अपनी विद्या की निंदा नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी की निंदा नहीं कर रहा है, वो खुद की मूर्खता को सिद्ध कर रहा है। अरे और पढ़ो, प्रोफेसर बनो, प्रिंसिपल बनो, और कहीं आगे जाओ लेवल पे, पात्रता बढ़ाओ, आगे बढ़ो। जब आपको आपकी ड्यूटी पसंद नहीं आती, मतलब क्या, आपको खुद की, शब्दों के लिए क्षमा 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 याचना, शब्द के लिए जो मैं कहने वाला हूं 10 बार क्षमा याचना, क्षमा 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 क्षमा। जब आपको आपकी ड्यूटी पसंद नहीं आती ना, मतलब आपको आपकी औकात पसंद नहीं आती, ऐसा गुरु जी ने कहा मुझे। क्योंकि इंसान को तो औकात के हिसाब से शब्द में यूज नहीं करना चाहता था, कृपया नोट करें, इसलिए मैंने 10 बार क्षमा बोला पहले ही, क्योंकि मुझे पता था मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ। इंसान को वही काम मिलता है जो वो डिजर्व करता है, हाँ या ना? तो अगर आपको आपका काम पसंद नहीं है तो आप क्या डिजर्व करते हो, आपके क्या लेवल है, आपकी क्या औकात है, वो पसंद नहीं है, तो पात्रता बढ़ाए दोस्तों। औकात शब्द निगेटिव है, उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं, पात्रता शब्द आते हैं, पात्रता कम है तो उसको बढ़ाओ, पात्रता बढ़ेगी तो काम बढ़ जाएगा, है ना। इनफैक्ट मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा आपके आशीर्वाद के लिए। कोविड के, जिसे कहते हैं मेंटल हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, जय श्री कृष्णा, आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है ये। ओके, तो मैं काउंसलिंग करूंगा, ग्रुप काउंसलिंग करूंगा कोविड पेशेंट्स के आने वाले समय में, और ये सेवा है, और मैं ये कर पा रहा हूँ, ये मेरा भाग्य भी है। जय श्री कृष्णा, है ना। तो बड़ी बात होती है ना, ऐसे कोई मौके मिलना, सेवा के मौके मिलना भी बड़ी बात होती है। तो चलो मैं बात मुद्दे पे आता हूँ, पात्रता बढ़ाए, पात्रता बढ़ाए। तो एक था स्वधर्म, एक था स्व इच्छा आचार, और तीसरा शब्द आज के लिए हम लेंगे और फिर शायद हम रुके। और तीसरा शब्द यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, वो है साधनों की निंदा करना। साधनों की निंदा करना मतलब क्या है पता है, साधन क्या होता है पता है, साधन यानी जरिया, यू नो, जरिया जिसके माध्यम से आप जा पा रहे हो। बहुत सारे लोग ना पैसे की निंदा करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे की निंदा करते हैं, पैसा साधन है, साधनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। अरे पैसा आ गया तो वो बिगड़ गया, ये हो गया, ईगो आ गया, वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं करते, पैसे की निंदा नहीं करनी चाहिए। और सभी को जो मुझे बधाई दे रहे हैं, सभी का, सभी को मेरा मन पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। एंड जिसे कहते हैं ना, देखो दोस्तों, ये तो व्यवसाय नहीं है, मैं क्लियरली बताता हूँ, ये एक सेवा का मौका है जो मुझे मिला है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो अगर मैं कुछ लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता हूँ, है ना, तो और क्या हो, है ना, और क्या चाहिए। और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, वो कैबिनेट लेवल के जो इंचार्ज है, कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के इंचार्ज है, उनका कल फोन आया था,
एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, और बधाई देते हैं क्षितिजा को, उन्होंने भी हमारा 5M क्लब देखा है. ओके. एंड उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है ना. ओके. तो अप्रिशिएट किया उन्होंने, और उन्होंने मुझे उसी लिए इनवाइट किया कि आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो. तो मैंने कहा हमारे पास तो बहुत बड़ी टीम है ना, आप में से हर कोई वही कर रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है. और मैं हमेशा यही कहता हूँ, कई बार हमें अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करनी पड़ती है ना, ताकि लोग प्रेरित हो जाए. कई बार हमें हमारे फेल्यूर की स्टोरी भी सुनानी चाहिए, ताकि लोगों में वो हो पाए कि मैं उससे कैसे कमबैक कर गया. तो हमारे ग्रुप में भी कई सारे कोरोना वॉरियर है, और मैं आपका इंटरव्यू भी उधर लूंगा, और बिना आपकी परमिशन के मैंने हाँ भी बोल दिया. ओके. ताकि उनको पता चले यार कैसे छोटे बच्चे फाइट करके आ गए, कैसे बड़े बच्चे फाइट करके आ गए, कैसे सीनियर सिटीजन फाइट करके आ गए. उम्मीद देनी है दोस्तों, है ना. और रियल लाइफ स्टोरी सुनाएंगे उनको, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे, जोक करेंगे, ताकि उनका मूड अच्छा बना रहे, है ना. तो मैं आप सबका साथ भी चाहूंगा उस नई चीज में. इसे कैसे करना है मुझे नहीं पता, उसका भी ये रिसेंटली फॉर्म हुआ है, बट कुछ दिनों में जिसे कहते हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें. ओके. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. साधनों की निंदा मैं बात कर रहा था, है ना, साधनों की निंदा. तो पैसा साधन है दोस्तों. कई बार मैं आपको बताता हूं, कई सारे लोग ना अपने पार्टनर की ही निंदा कर देते हैं. पार्टनर की निंदा, वो भी तो साधन है, हाँ या ना. कई सारे लोग जिस पेन से लिखते हैं उसकी निंदा कर देते हैं, नोटबुक की निंदा करते हैं, बुक्स की निंदा करते हैं, है ना. बराबर है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए ना, थैंक यू कहना चाहिए. साधन की निंदा कभी ना हो दोस्तों, साधन की निंदा कभी ना हो. ओके. यानी कई सारे लोग ना बाइक की निंदा कर देते, क्या खटारा बाइक है, है ना. अगर बाइक को मौका दिया जाए 2 मिनट बात करने का, तो वो कहेगी मेरी ये जो भी हालत है तुम्हारी वजह से, द वे यू मेंटेन मी आई बिहेव दैट वे. अब बाइक से आगे बढ़ते बॉडी की तरफ आते, क्या घुटना है मेरा दर्द देता है, सर दर्द देता है, ये वो, है ना. तो बॉडी को अगर किसी दिन बात करने का मौका मिले ना, तो हो सकता है बाहर आके हमें ही 2-4 गाली दे दे, या कान के नीचे मार दे बॉडी हमारी, है ना. बॉडी को मौका मिले तो, क्यों बोलते हैं रोज एक्सरसाइज करता है कि मेरे मेंटेनेंस के लिए कितना समय है तुम्हारे पास, हाउ मच टाइम यू स्पेंड एक्सरसाइज के लिए, थोड़े से जोक मारो, दोस्तों के साथ बात करो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी पढ़ो, पॉजिटिविटी शेयर करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा डाइट खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, है ना. सब व्हाइट जहर से बचे, यू नो व्हाइट जहर पता है आपको. ओके. सफेद जहर क्या होता है पता है आपको, दो चीजें सबसे डेंजरस, नमक और शक्कर. नमक और शक्कर से बचे. ओके. इसके आगे अगर किसी चीज से बचना है तो उसमें क्या आएगा. ओके. तो उसमें आएगा आपके साथ जिसे कहते हैं मसाला, बहुत ज्यादा मसाला नहीं अच्छा, बहुत ज्यादा तीखा बहुत अच्छा नहीं है, और ऑयल. और मैं आपको बताता हूँ, ये अभी प्रूव हो रहा है, बट लोगों के बिजनेस इतने एस्टेब्लिश है कि वो बताएंगे नहीं आपको, हर वो चीज जो पॉलिश्ड एंड फिल्टर्ड है वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, प्लीज नोट करें. तो कई सारे लोग बोलते हैं ना डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर, वो अच्छा नहीं है. ये प्रूव हो रहा है, डेटा आ रहा है, बट अभी तक हमारे सामने स्ट्रांगली नहीं आया, कोई बात नहीं. तो ये एक लक्षण है. मुझे ऐसा लगा कि एक शब्द और लूं और फिर आज के लिए रुक जाऊं. तो आगे वाली बात है, जो दूसरों को फिंगर पॉइंटिंग करता है, मान लो दूसरे ना नावेट है उतना दोष भक्तो. तो ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे. अब देखिए, नम्रता पूर्वक आपको बताना चाहूंगा, आज हमने 5 श्लोक कवर किए, मान लो 41 श्लोक है, तो मुझे नहीं पता इसको कितना समय लगेगा, पर प्लीज सुनिएगा इसे. तो पढ़त मूर्ख वह है जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के दोष दिखाते रहता है, वह भी पढ़त मूर्ख है, वह भी पढ़त मूर्ख है. कृपया नोट करें इस बात. ओके. तो मैंने मेरे NLP के स्टूडेंट्स को बताया था, एक बार सिखाया था, इस बैच में कुछ लोग है, कितने लोग है जरा टाइप करें, आए पता तो चले. तो मैंने उनको एक बात बताई थी कि जैसे भी नहीं करना है, जस्टिफाई नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, और कंप्लेन नहीं करना. कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए.
तो कई सारे लोगों का अब तक संघर्ष चल रहा है ना, बहुत समय लगता है इंसान कहीं ना कहीं से ना, और ये नेचुरल है, कृपया खुद को दोष ना दे, नहीं तो फिर से होगा, ब्लेम शुरू हो गया किसी और को भी नहीं, खुद को भी नहीं, बट संयम से इसको प्रैक्टिस करना है। क्या काम है? संयम से इसे प्रैक्टिस करना है, विचलित नहीं होना है। पर पढ़त मूर्ख वो होता है जो जानता तो सब कुछ है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारहम इति मन्यते, अध्याय 3 श्लोक 27। भगवान ने स्वयं कहा है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, प्रकृति के नियम के अनुसार सबको अपने अपने गुण दिए गए हैं, और गुणे कर्मणि सर्वशः, गुण सब कुछ करते हैं, अहंकार विमूढ आत्मा, अहंकारी आत्मा मूर्ख आत्मा, विमूढ यानी मूर्ख, मूढ़ यानी मूर्खा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तार अहम इति मन्यते, मैंने किया कहता है वो। अगर मैं आपके सामने या फिर इस मंच के बाकी लोग आपके सामने आके गाइड कर पा रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं, उनके गुण जो उन्होंने पहले पढ़ा, उन्होंने स्टडी किया, कंट्रीब्यूट करने के जो गुण है उनके, वो गुण उन्हें वहां यहाँ ये करवा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने मन में संशय को पाल रखा है, तो वो सब जानते हुए भी यहाँ आके कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ या ना। तो वो सोचते हैं अपने मन में ही शंका के बादल लिए घूमते हैं, वो क्या होगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, इससे तुलना होगी क्या, उससे तुलना होगी क्या, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट ये उनके गुण है ना। कोई झगड़ता है तो भी गुणों के कारण, कोई प्यार करता है तो भी गुणों के कारण, कोई सपोर्ट करता है तो भी गुणों के कारण। प्रकृति के लिए माना नहीं, गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता रहम इति मन्यते। तो हमेशा इस बात को याद रखे हर व्यक्ति, कृपया नोट करे, 3 शब्द आपको ना एक्सेप्टेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेंगे आपकी। 3 शब्द मैं हमेशा बताता हूँ, आपकी डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा रेगुलर मेंबर की। पहला शब्द परिस्थिति, दूसरा शब्द मनस्थिति, और तीसरा शब्द आदतें। अगर आपको कोई भी इंसान पसंद नहीं आता तो कृपया उसको म्यूट करें और केवल फोटो देखे, फोटो में कुछ बुराई है क्या? तो आप बोलोगे फोटो तो अच्छा है, जब ये मुंह खोलता है तब बुरा लगता है, या जब ये बिहेव करता है तब बुरा लगता है। तो इंसान अलग और उसकी आदतें अलग करते हैं सबसे पहले तो, है या ना, बराबर है? यस, यानी आप किसी की भी, इवन मैं बताता हूँ ना, गब्बर सिंह की भी फोटो लो तो वो कोई तकलीफ नहीं देती, यू नो गब्बर सिंह शोले के विलन थे, तो कोई तकलीफ नहीं देती। तो कृपया नोट करें, अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, उसके बारे में कोई कंप्लेंट है, तो कोशिश करें ये 3 चीजों में से जो भी चीज आप सुधार सकते हो सुधारे। परिस्थिति, कई बार इंसान परिस्थिति वश करता है। मेरे जीवन के 2-3 अनुभव है दोस्तों, जब मेरे करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया और मुझे 2-3 साल बाद पता चला कि उसके पास चॉइस ही नहीं था। अब बोलो, है ना। तो मैं स्वयं गया उनको मिलने, मैंने स्वयं उन्हें गले से लगाया, और आज भी हम दोस्त हैं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसने मुझे धोखा दिया उस कुछ क्षणों के लिए, ताकि वो सर्वाइव तो कर गया। दोस्त है तो दोस्ती है ना दोस्तों, है ना। तो कई बार परिस्थिति होती है, परिस्थिति लोगों को मजबूर कर देती है, कई बार मनस्थिति। कल ही मैं मेरे एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था और मैंने ऐसे ही उसको फोन कर दिया, है ना। मुझे पता चला कि उसके फैमिली में 3 लोगों को कोविड हो गया, तो आई थॉट कि मैं थोड़ी सी बात करूं, पॉजिटिव एनर्जी दे दूं, और स्वामी जी की, गुरु जी की कृपा से मैंने उसको पॉजिटिव एनर्जी दे भी दी। तो वो एंड में क्या बोला पता है? वो रोने लगा और उसने मुझे सॉरी कहा। मैंने बोला क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो और सॉरी क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसे ऐसे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक अपना ही दोस्त है, उससे तुम्हारे बारे में सुना था और उसने जो नेगेटिव बातें कही तो मैंने तुमसे कॉन्टेक्ट ही बंद कर दिया। यानी बिना मुझे जाने, हमारा बचपन का दोस्त, हम बीच में बिछड़ गए कुंभ के मेले में ना, 10वीं के बाद बेंचेस अलग हो गए कुंभ की, तो कोई साइंस आर्ट्स कॉमर्स और बिजनेस में चले गए। तो कल अभी ग्रुप बना है और किसी ने मैसेज डाला वहां पे ग्रुप में कि ऐसे ऐसे इसकी फैमिली को कोविड का चैलेंज आया है, तो मैंने फोन किया उसको। फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ उसके लिए, ये भी जरूरी है समझना। तो उसने थैंक यू भी बोला और वो
लिटरली रोने लगा, क्योंकि किसी ने उसको मेरे बारे में कुछ नेगेटिव फीडबैक दिए, उसको उसने सच मान लिया और वो फीडबैक उसने आगे भी बांट दिए, यू नो। इंसान वही देता है जो वो उसके पास होता है ना। तो ये स्टोरी को यहाँ पॉज करके एक नई स्टोरी सुनाता हूँ, दो तीन लाइंस में। ओके, दो पड़ोसी होते हैं, दोनों के पास गार्डन होती है ना, दोनों के पास गार्डन होती है। ओके, तो एक पड़ोसी रोज सुबह जब गार्डन साफ करता था तो जो भी कचरा जमता था वो कंपाउंड वॉल से दूसरे पड़ोसी के कंपाउंड में डाल देता था, है ना। तो ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, पर याद दिलाना जरूरी है। तो दूसरे पड़ोसी के बच्चे, यंग बच्चे, बहुत गुस्से में आते थे, वो सोचते इसको पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो वो दूसरा वाला पड़ोसी बच्चों को बोलता है थोड़ा सा रुकने दो, बाहरों का मौसम आने दो। तो बाहरों का मौसम आता है, सब बगिया में, दोनों की बगिया में फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो हर रोज सुबह पहला वाला पड़ोसी कचरा इधर डालता है और दूसरा वाला पड़ोसी फूल उधर डालता है। कुछ दिन तक बात चलती है, पहला वाला फ्रस्ट्रेट होता है और इसको झगड़ा करने आता है, बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं रोज कचरा डाल रहा हूँ, तुम फूल डाल रहे हो। तो दूसरा वाला कहता है इंसान वही देता है जो उसके पास है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे दोस्त ने वही किया, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वही उसने सबको बांट दी और 10-20 लोगों को नकारात्मकता दे दी मेरे प्रति। अब ध्यान से सुनना, ये स्टोरी मेरे बचपन की आदतों पे डिपेंडेंट थी। हम तो नदी के पानी जैसे होते हैं, हर हर क्षण नए बनते रहते हैं ना। नदी वही होती है, पानी बदलता है, हम भी वही बदलते हैं। तो इंसान वही देता है जो वो उसके पास होता है। तो कृपया नोट करें, यहाँ क्या बताया मैंने इस एग्जाम्पल में, मनस्थिति। मैंने एक बात की परिस्थिति की, एक बात की मनस्थिति की। इस ये दो चीजों के लिए आप लोगों को माफ कर सकते हो या उसको बदलने का प्रयास कर सकते हो, है ना। जैसे मेरे दोस्त की मनस्थिति बदली, पहला दोस्त ईमानदार बन गया परिस्थिति सुधरने पे, मजबूर था तो मैंने उसे बेईमान लगा दिया लेबल, जबकि मैं ही गलत था। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आदतें, है ना। कोई अगर देर से उठता है, आदत देर से उठने की, उसे जल्दी उठा वो गुस्सा करेगा, उठे बराबर चिल्लाएगा, आदत है ना। कोई लेजी है, उसको थोड़ा पुश करो वो चिल्लाएगा। कुछ लोगों को रिलेट हो रहा है ना। चलो बढ़िया है। ओके, तो कोशिश हम तीन चीजों को बदलने की कर सकते हैं। इंसान को लेबल नहीं लगाएंगे, इंसान को बुरा नहीं मानेंगे, है ना। या तो उस देखो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, परिस्थिति वाली या मनस्थिति वाली। हो सकता है उसको कुछ बुरी आदतें लगे तो भी यार एज गुड एज बैड है ना, एज गुड एज बैड है। ओके, बुरी आदतें लग गई तो हम तो पहले स्वीकार करें, उन्हें माफ करें, एक्सेप्टेंस भाव में जाए, और अगर वो हमारे करीबी है तो इन तीनों चीजों पे काम करके इनको बदलने का काम करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप में से कई सारे लोग 5 AM क्लब में आने के बाद रेगुलरली जल्दी उठने लग गए ना, बराबर। कुछ लोग है ना, कुछ लोग ऑकेजनली उठते थे। ओके, बहुत सारी महिलाओं का तो मुझे फीडबैक भी है कि बोले स्कूल है तो जल्दी उठेंगे, स्कूल नहीं है तो सबको छुट्टी, शांति से 9 बजे नाश्ता बनेगा, है ना। तो दैट इज हाउ लाइफ वॉज, बट अभी एक नया डिसिप्लिन आया है, तो आप सभी को मुबारकबाद, यस, अभिनंदन आप सभी का। और ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ाइए, लोगों को बुलाइए। तो दोस्तों आज के लिए चलो, 5:45 हो गए और कोयल आवाज दे रही है, थोड़ी देर बाद हमारा ये बच्चा भी आवाज देगा, अभी बोला उसने, है ना। सुना आपने। ओके, उसको सब समझता है, ज्ञानी है वो, पढ़त मूर्ख नहीं है। ओके, तो आज के लिए यही रुकते हैं। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्णा।